हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर कर रहे हैं ट्रिपल सी क्रैश कोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज द सिस्टम इन विच मल्टीपल पीसी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं। पीसी इन इंटरनेट आर नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड आउटसाइड द इंटरनेट। मतलब क्या है कि अगर पीसी कहीं पे, अगर आपको सिस्टम में कोई डेटा सेंड करना है, ठीक है, तो इंटरनेट माध्यम से सेट कर देते हो और जब बंदा ओपन करता है अपना नेट, ठीक है, तो वो उसको रिसीव कर लेता है। यूजुअली ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर ओन इंटरनेट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनियाँ होती हैं, अक्सर वो अपना खुद का इंटरनेट नेटवर्क रखती हैं। एंड मेम्बर्स एम्प्लॉयज दैट कंपनी कैन एक्सेस द कंप्यूटर इन देयर इंटरनेट। यानी उस चीज़ को जो इंटरनेट को एक्सेस कौन करता है, कंपनी के जो स्टाफ लोग होते हैं उसको यूज़ करते हैं। ईच कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई बाई आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये यूनिक होता है, ठीक है ना, विच इज यूनिक अमंग द कंप्यूटर इन दैट इंटरनेट। मतलब क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर होंगे सबके आईपी एड्रेस, मतलब ये कंप्यूटर सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, ठीक है, आईपी एड्रेस से ही उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास छोटा सा एग्जांपल। अगर यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात करें हम, ठीक है, तो हम कहीं भी सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल कर लें हम, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर वैन का, ठीक है। वैन मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें अगर एग्जांपल लेना है तो हम क्या ले सकते हैं, बैंकिंग वगैरह के लिए। जैसे एग्जांपल में सिंपल सा कि SBI बैंक का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, मेन ब्रांच मुंबई में है। अगर हम बनारस में, इलाहाबाद में हैं, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है, उसी नेटवर्क को। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लिखा कि सिमिलरिटीज इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड FTP। यानी क्या होता है, जो इंट्रानेट होता है इंटरनेट का प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जैसे क्या TCP/IP और FTP यूज़ करता है, ठीक है। इंटरनेट साइट आर एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउज़र। जो इंटरनेट होते हैं वो वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं इन सिमिलर वेज एज वेबसाइट इन इंटरनेट, बट ओनली मेम्बर ऑफ इंटरनेट नेटवर्क कैन एक्सेस द इंटरनेट होस्ट साइट। मतलब क्या है कि नेटवर्क का नेटवर्क जो होता है उसको कहते हैं, एक बड़े नेटवर्क को बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। इन इंटरनेट ओन इंस्टेंट मैसेज कैन बी यूज एज अ सिमिलर टू द याहू मैसेज मैसेंजर जी टॉक ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट इन इंटरनेट एंड इंटरनेट, इनमें फ़र्क क्या है। इंटरनेट इज अ जनरल टू PC ऑल ओवर द वर्ल्ड वेर एरियाज, इंटरनेट स्पेसिफाई फ्यू PC, ठीक है, कुछ PC में शामिल होता है, ओके। और इंटरनेट इज नॉट अ सेफ एज इंटरनेट, एज इंटरनेट कैन बी सेफली प्रिविलेज एज पर द नीड। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझो थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में। यानी क्या इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम पे काम करता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट पब्लिक अकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क, ठीक है ना, और लोकल ग्लोबल स्कोप पे भी काम करता है, ओके। और WWW क्या है, इसका W3 भी बोलते हैं इसको, इसके फाउंडर हैं टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, जो WWW के फाउंडर हैं वह है टिम बर्नर्स-ली। इसके बाद देखो नेक्स्ट, वेबसाइट क्या होता है, इज अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज सर फ्रॉम सिंगल वेब डोमेन। जो वेबसाइट होता है उस पर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज होता है कलेक्शन ऑफ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट वीडियोज ऑडियोज एनिमेशन ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है ना, उनका जो बहुत सारा पेज होता है उनको कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग वेबसाइट, ठीक है। होम पेज क्या होता है, किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पेज को, होम पेज या इंडेक्स पेज भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, हाइपरलिंक क्या होता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो TCC का एग्जाम होता है, ठीक है, या कोई और एग्जाम है, तो इनमें नेटवर्किंग से और इंटरनेट से क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो इसको समझ लो अच्छे से। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक मतलब जैसे कि आपके आपके पास कोई बंदा वेबसाइट वगैरह शेयर करता है ना, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आप क्लिक करते हो तो कुछ खुल जाता है वही वेबसाइट, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। हाइपरलिंक इज अ रेफरेंस टू द डेटा, मतलब किसी डेटा का रेफरेंस होता है टू द रीडर एंड डायरेक्टली फॉलो आइदर बाई क्लिकिंग
और हावरिंग और दैट इज़ फॉलो ऑटोमेटिकली, मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक एक कंप्लीट एड्रेस होता है जिस पर आप क्लिक करके उस लोकेशन पे पहुंच जाते हो जहां पे आपको पहुंचना है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक प्लेटफॉर्म के जैसा होता है जिस पे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, जैसे क्या सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, बोल्ट है, यूसी ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। और पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, पहला वेब ब्राउज़र है लिनक्स, ठीक है, LYNUX, सॉरी पहला ब्राउज़र क्या है, मोज़ैक, ठीक है, MOSAIC, ठीक है, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, मोज़ैक था। और दूसरा था लिनक्स, लिनक्स जो था केवल टेक्स्ट बेस्ड था, यानी इस पर केवल टेक्स्ट सपोर्ट करता था, इमेज वगैरह सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर है, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो, URL क्या होता है, URL को बोलते हैं हम कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। देखो जैसे कोई एग्जाम्पल लिखा कि एक एग्जाम्पल दिया है कंप्लीट एड्रेस, ये मेरा एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को विजिट करके भी देख सकते हो, ये मेरा स्पोर्ट का मैंने वेबसाइट बनाया है, friendknowledge.wixsite.com/street है। आप इस वेबसाइट को लिखोगे, लिख करके आप एड्रेस बार पे सर्च करोगे तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, डाउनलोडिंग क्या होता है उसको समझ लेना। डाउनलोडिंग मीन्स टू रिसीव डेटा टू अ लोकल सिस्टम फ्रॉम रिमोट सिस्टम टू द इनिशियल सच एज डेटा ट्रांसफर। देखो रिमोट मतलब क्या होता है, रिमोट मतलब ये हो जाता है कि एक स्थान पे पड़ा हुआ है, उसको अगर क्लिक करने पे, कुछ बटन प्रेस करने पे आपके सिस्टम में आ जाए। डाउनलोडिंग मतलब ये होता है ना कि किसी डेटा को आप या मूवी को या इमेज को डाउनलोड करते हो, ठीक है, ओके। अपलोड मतलब किसी डेटा को अपलोड करना, मतलब कंप्यूटर पर देना, ठीक है, अपने डिवाइस से किसी अदर डिवाइस को ट्रांसफर करना, ठीक है, अपलोडिंग कहते हैं इसको, ठीक है। और जैसे हम YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं उनको बोलते हैं अपलोडिंग, ओके। अब देखो नेक्स्ट चीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये इसको बोलते हैं IP एड्रेस, ठीक है, और इससे न्यूमेरिक नंबर फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है ये होता है नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। और ईमेल क्या होता है, ईमेल होता है अटैचमेंट इज अ कंप्यूटर फाइल सेंड अलॉन्ग विद अ ईमेल मैसेज वन और मोर फाइल, मतलब क्या होता है, जो ईमेल होता है, ईमेल के माध्यम से हम क्या करते हैं, ईमेल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, और इसमें किसी भी मैसेज को ईमेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी दूसरे बंदे के पास, बस कंडीशन ये हो कि उसका हमारे पास ईमेल हो। ईमेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो सेपरेट किससे होता है, एट द रेट से होता है, ठीक है ना, आपने एट द रेट का सिंबल देखा ही है, जैसे इधर यूजर का पार्ट होता है, इधर डोमेन का पार्ट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछता है कि ईमेल किस चीज से दो पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, हॉटमेल क्या है, हॉटमेल वाज टू फाउंडेड बाय इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया, ठीक है ना, जैक स्मिथ इन जुलाई 1996। जो हॉटमेल था, जो इसमें मेल भेजा जाता था, इसको डेवलप करने वाले हैं अमेरिकन के सबीर भाटिया और जैक स्मिथ, ठीक है, इसका टाइमिंग है 1996, ठीक है। अब बात करते हैं डबल सी क्या है, कार्बन कॉपी, जब हम मेल करते हैं किसी को, ठीक है, तो इसको पढ़ लो, यहाँ पे लिखा है कि ईमेल इंडिकेट दोज हु आर टू रिसीव अ कॉपी ऑफ मैसेज एड्रेस प्राइमरली टू अनदर, द लिस्ट ऑफ CC रेसिपिएंट इज विजिबल टू अदर रेसिपिएंट और मैसेज, मतलब क्या होता है कि मान लो किसी बंदे को, मान लो ऑफिस के स्टाफ हैं 100 स्टाफ्स, मैं सबको जानता हूँ, तो सबको एक ही मैसेज भेजना है, ठीक है, तो सब पे रेसिपिएंट वाला एड्रेस सब पे जाता है, ठीक है। एक होता है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब कि 100 स्टाफ हैं जिनमें से 50 लोग को मैं नहीं जानता हूँ, तो 50 लोग अलग तरीके से भेजा जाएगा, ठीक है, तो इस पर किसी यानी हिडन नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन किसी को नहीं जाएगा, बस केवल मैसेज जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बारे में बात हो रहा है। डेटा कम्युनिकेशन डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इसका काम क्या है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करना। डेटा इज ट्रांसफर थ्रू अ पाथवे, एक तरीका होता है, मतलब एक रास्ता मिलेगा उसको काम करेगा, ठीक है, कॉल्ड एज कम्युनिकेशन चैनल इसे कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे संचार होता है। विच कैन ए फिजिकल वायर कनेक्टिंग द डिवाइस और मे बी अनगाइडेड मीडिया लाइक लेजर माइक्रोवेव, मतलब जैसे कि केबल टीवी ऑपरेटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं और रेडियो वगैरह का भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल क्या है। कम्युनिकेशन चैनल हैज़ अ सोर्स और ट्रांसमीटर एट वन साइड एंड डेसिग्नेशन और रिसीवर एट अनदर साइड ऑफ नेटवर्क, मतलब क्या होता है, एक स्थान से डेटा को ट्रांसफर किया जाए, दूसरे स्थान को रिसीव किया जाए, ठीक है, ओके।
इसके बाद हम देखेंगे इसके जो तीन टाइप होते हैं, सिंप्लेक्स होता है, ओके सिंप्लेक्स में देखते हैं, इन दिस कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, वन ऑफ द टू डिवाइस कैन ट्रांसमिट द डेटा। देखो जो सिंप्लेक्स होता है वो सिंपल सा मतलब होता है, जैसे कि रेडियो, रेडियो में क्या होता है डायरेक्टली आप ना केवल सुनते हो, और टेलीविजन पे क्या होता है केवल आप सुनते हो, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स चैनल, ठीक है ना। इसका जो डायरेक्शन होता है पाथ होता है वन वे, यानी ए से क्या होता है बी को डेटा जाता है केवल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे हाफ डुप्लेक्स, यानी जो पहला था सिंप्लेक्स, दूसरा होगा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होगा फुल डुप्लेक्स। इसको थोड़ा समझ लो, जो हाफ डुप्लेक्स होता है लिखा कि इन दिस कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ होता है बस, बट इसमें कंडीशन ये है कि पहले बार एक कंडीशन जाएगा एक मैसेज तो दूसरा रिस्पॉन्स होकर आएगा। आइदर द डिवाइस कैन एक्ट अ ट्रांसमीटर और रिसीवर, बट ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट द डेटा एट द टाइम। जैसे वॉकी टॉकी भी क्या होता है, एक बंदा बोलता है ठीक है तो ये सुनेगा जब, तब ही रिप्लाई करेगा, मतलब क्या होगा फिर अब रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये चीज़ मतलब एक बंदा है जो ट्रांसमिट करे डेटा को, जब बोलता है तो ये सुन लेगा फिर इसको ट्रांसमिट करेगा, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा फिगर हो जाएगा ऐसा बनेगा। इसके बाद तो फुल डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स की बात करें तो हर आल्सो कम्युनिकेशन इज बोथ डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ अच्छे से काम होता है। जैसे क्या टेलीफोन कन्वर्सेशन, अगर कोई बात करते हो टेलीफोन पे हम लोग ना, ठीक है, तो तुरंत बात काट कर भी लोग बोलने लगते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका इमेज ऐसे काम करेगा, ठीक है, अगर दोनों तरफ से ट्रांसमिशन चैनल यूज़ होगा, और ये ए और बी, ठीक है, समझ में आया चीज। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट, टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं उसको समझो, तीन टाइप होते हैं, एक होता है लैन, मैन, वैन, ठीक है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर, जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है यूजली विद इन द सेम बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की बात करें हम, बाय द डेफिनेशन द कनेक्शन मस्ट बी हाई स्पीड एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में टोकन रिंग और इथरनेट के बारे में बात करेंगे। ओके लैन जो होता है इसमें जान लेना आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सबसे जो छोटा नेटवर्क होता है वो ये होता है ना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और स्पीड के बारे में बात करें तो सबसे हाई स्पीड का मिलता है लैन का, और इसमें एक बिल्डिंग के अंतर्गत होता है, ठीक है ना, एक लिमिटेड एरिया के अंतर्गत ही वर्क करता है। इसके बाद हम बात करें मैन की, जो मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, इट इज़ अ लार्जर नेटवर्क दैट यूजली स्पैन सेवरल बिल्डिंग इन द सेम सिटी। एक सिटी की बात करें, मान लो एक बनारस है, बनारस सिटी की बात करें, एक दिल्ली है, दिल्ली की सिटी के बारे में बात करें, यानी 50 से 60 किलोमीटर के बीच कवर करना है तो हमें क्या करना होगा, मैन का इस्तेमाल करना होगा। ओके अब एक है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, एक इन कंपेरिजन टू मैन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ जियोग्राफिकल लोकेशन। जो मैन होता है, मैन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करके काम करता है, मतलब क्या, जैसे अगर मुंबई का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है ना, जो बैंक है हमारे पास SBI का, वहाँ से हेड ब्रांच है, हेड ब्रांच का कनेक्शन कई जगह है, जैसे रेलवे का कह सकते हैं, एयरलाइंस का कह सकते हैं, ठीक है ना, एयरलाइंस का कनेक्शन कितने दूर तक है, तो वो चीज़ आप वैन में काउंट कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट के टॉपिक में इतना ही मिलेगा, और अगर आपको और जानना है तो आप ग्लोसरी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, ग्लोसरी अगर आप पूरा अच्छे से समझ लोगे, देख लोगे तो मैं ये कहता हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी मीनिंग आएगा ना, तो आप यूँ उसको सॉल्व कर लोगे, उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में भी उसका आंसर आप लगा पाओगे बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। ओके अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको वीडियो को लाइक करें, अगर आपके पास कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।